नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आर्थिक राजधानी मुंबई पश्चिमी देशों के लिए प्रवेश द्वार। मुंबई का मौसम वर्तमान में सामान्य सा बना हुआ है। तीव्र धार की वर्षा को कौन कहे, अब तो कई दिनों तक रिमझिम बूंदे भी नहीं आती। हाँ, बादल अभी आसमान में सूर्य के साथ मानो लुका छुपी का खेल खेल रहे हो। इस खेल में कभी धूप तो कभी छाया का क्रम बना रहता है। दूसरी ओर माया नगरी में आध्यात्मिकता की अलख जगाने वाले जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशास्त्रा भगवान महावीर के प्रतिनिधि युग प्रधान आचार्य महाश्रवण जी की अमृतवाणी की वर्षा निरंतर जारी है। यह वर्षा जन जन के मानस पटल को अभी सिंचित प्रदान कर रही है। आपको बता दें, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी की इस अमृत वर्षा का लाभ उठाने के लिए मुंबई के हर वर्ग समाज की जनता ही नहीं, दूर दूर से क्षेत्रों में निवास करने वाले श्रद्धालु भी लगातार पहुँच रहे हैं। शुक्रवार को तपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी ने तीर्थकर संवर्षण में उपस्थित जनता को अपनी अमृतवाणी से पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए कहा कि सभी प्राणी जीव होते हैं। अनंत अतीत में एक जीव में अनंत बार जीवन मरण कर लिया है। यह मानो कोई अनादिकाल में चली आ रही परंपरा हो। जीव हमेशा थे और रहेंगे। नरक गति, तीर्थ गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष गति भी शाश्वत है। भव्य और अभव्य जीवन भी शाश्वत होते हैं। प्रश्न किया गया कि जीव विभिन्न गतियों में दुखी अदुखी होता है क्या? भगवान महावीर ने कहा, हाँ ऐसा होता है। जीव कभी दुखी तो कभी अदुखी भी होता है। एक ही जीवन काल में आदमी कभी दुखी तो कभी सुखी भी बन जाता है। जहाँ कभी बहुत सुखद स्थिति बनती है तो कभी दुखद समय भी आ जाता है।